इस वीडियो में बात करेंगे वेरिकोस वेनस की प्रॉब्लम कैसे आती है और कैसे इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है, किस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। सो इस वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। वीडियो का एंड तक बने रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बच्चा के नीचे जब नसें फैल जाती हैं तो वो वैरिकोसिस नस का रूप ले लेती हैं। ये नसें आगे चलकर तकलीफ देने लगती हैं और आपके लिए परेशानी के कारण भी बन सकती हैं, इसलिए इनका तुरंत इलाज करना जरूरी है। इलाज से पहले ये जानना भी जरूरी है आखिर ये समस्या आती कैसे है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके, क्या क्या सिम्टम्स हैं जो वैरिकोसिस को लाती हैं। पहला आता है पैर के ऊपरी हिस्से में खुजली होना, नसों में दर्द या सूजन की समस्या, पैर या ढकनों में सूजन नजर आना, रात में पैर या अन्य भाग में ठेठन या दर्द होना, पैरों को त्वचा का मोटा या सख्त होना, पैरों की त्वचा का रंग बदलना, त्वचा के घाव का आसानी से ठीक ना होना, सूखी या पपड़ीदार त्वचा नजर आना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको वेरिकोस वेन्स की समस्याओं को ला सकते हैं। अब इसके क्या क्या काजेज हैं, कैसे ये होती है। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, इस करके ये प्रॉब्लम ज़्यादातर महिलाओं के बीच में देखी जाती है। ये पहला कारण है कि प्रोलोंगेटेड स्टैंडिंग। प्रोलोंगेटेड स्टैंडिंग होती है ज़्यादा देर तक खड़े रहना। अगर आप बहुत देर तक खड़े रहती हैं तो आपको वेरिकोस वेन्स की समस्या हो सकती है। आपको थोड़ी देर में पैरों का आराम देना चाहिए। घर में महिलाएं घर के सारा दिन काम करती रहती है, उसमें खड़ी रहती है, जिसके कारण ये समस्या भी हो सकती है। दूसरा तो वेस्ट, यानी कि वजन ज़्यादा होना। अगर आपका वजन ज़्यादा है आपकी उम्र के मुकाबले तो आपको वेरिकोस वेनस का शिकार होना पड़ सकता है। ज़्यादा वजन होने के कारण नसों पर दबाव बढ़ता है और नसों में ब्लड फ्लो बिगड़ने लगता है, इसलिए ब्लड कंट्रोल करने के लिए ये आपको वेस्ट यानी कि वजन घटाना ज़रूरी है। तीसरा आता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण भी वेरिकोस वेनस की समस्या होती है। इसमें पैर या अन्य भाग में खून का धक्का जम जाता है। अगर आप मोटापा, हाई बीपी, बार बार गर्भधारण आदि से गुजरते हैं तो आपको इस बीमारी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चौथा आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर परिवार में किसी को वेरिकोस वेनस की समस्या है तो ऐसा हो सकता है कि आपको वेरिकोस वेनस होने के पीछे जेनेटिक कारण हो, जिससे बचने के लिए आप पहले से ही जरूरी बचाव कर सकते हैं। पाँचवा, जन्म के वक्त किसी भी वेल्व का डिस्ट्रॉय हो जाना। अगर जन्म के वक्त ही बच्चे का वेल्व डैमेज हो तो उसे अगर जानकर वेरिकोस वेनस की समस्या हो सकती है। अगर वेन ज़्यादा डैमेज हो तो डॉक्टर उसे सर्जरी की मदद से निकाल देते हैं या दवा का इलाज कर देते हैं। अब इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। पहला आता है कि अल्ट्रासाउंड के जरिए वेरिकोस वेन्स का पता लग सकता है, जिसके बाद वेरिकोस वेनस की समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि कंप्रेशन वाले मोजे पहनना। लेज़र थेरेपी की मदद से वेरिकोस वेनस की इलाज किया जाता है। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, ज़्यादा देर तक बैठने या खड़े रहने से बचें। एक्सरसाइज थेरेपी की मदद से भी आपको इसका इलाज कर सकते हैं। आपका वजन कंट्रोल करें, और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम वजन की आती है या खड़े होने से आती है, टाइट जीन्स या ऊंची हड्डी वाले सैंडल पहनने से बचें। ये कुछ ट्रीटमेंट है जो आप इस चीज़ को बच सकते हैं और इसका तुरंत ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। सो सब्सक्राइब कर लें।